उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट का बड़ा फैसला, प्रतिदिन 5,000 यात्रियों को ही जाने की अनुमति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में लिया भाग, पत्रकारों की जानी समस्याएं। वर्ल्ड क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर 46 वर्षीय एंड्रयू साइमंड की कार दुर्घटना में मौत। पौड़ी के रांसी स्टेडियम में आज से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू, युवाओं में दिखा जोश। श्रीनगर गढ़वाल में कौमी एकता की मिसाल, मुस्लिम परिवार ने की निर्धन हिंदू परिवार की बेटी की शादी। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, बेलगाम खनन वाहन ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर। हल्द्वानी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पत्थरों से कुचलकर उतारा मौत के घाट, अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर दिया घटना को अंजाम। हरिद्वार के सिटकुल कंपनी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। काशीपुर में होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम की छापेमार कार्रवाई, 1.5 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के परम सखा स्वामी मुक्तानंद का निधन, सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई।